नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन में। दोस्तों, हमेशा की भांति आज भी मैं कुछ आपको नया सिखाने वाला हूँ। यदि आप चैनल पे नए हो तो एजुकेशन रिलेटेड जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का जो बटन है उसको दबा के उसको ब्लैक कर दो, और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि ये वीडियो डाल दिया गया। चलो, आज बात करने वाले आयु गणना से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। तो आप सबको पता है, कोई भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ आपको पता होती है, और कई बार वैकेंसी निकलती है तो आपको डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ये निकालना पड़ता है कि इस डेट को ये कितनी उम्र का हो रहा है, यानी इसके अनुसार 18 वर्ष होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखो, कोई वैकेंसी आई है जिसमें दे दिए 02/12/2019 के अनुसार आपको दे दिया, मतलब 18 वर्ष का होना चाहिए, ये आपको डेट दे देगी वैकेंसी की इस डेट के अनुसार, या कह दे डेट आपको दे दिए। तो आप पहले बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको देता हूँ, ये तो क्या है, दिन है, ये क्या है, दिन है, और ये क्या है, महीना है, और ये क्या है, वर्ष है, या आप इस क्रम में लिखते। और फिर आपको DOB है वो जो डेट देती है उसमें से घटाते। DOB मान लो आपकी, DOB मान लो जो भी है, DOB जैसे मान लो मेरी DOB 03/05/2000 है, तो ये इसके अनुसार आपको निकालने की इस डेट को मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा 02/12/2019 को, यानी आपको डेट जैसे आज का निकालना हो तो आज वाली डेट लिखते हैं, या जिस डेट को हमें निकालना पड़ता है वो डेट निकालते हैं। अब देखो, आप बताए घटाना पड़े, तो आप सबको पता है यदि घटाएंगे तो पहले आपको दिन घटाना पड़ेगा। दिन घटाएंगे, आप बताए 2 में से 3 घटेगा नहीं, इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। हासिल यहां लेंगे, एक लेंगे तो आप बताए एक इधर महीना है, तो एक महीने का मतलब 30 दिन आएगा, कितना दिन आएगा, एक हासिल का मतलब दिन कितना आएगा, 30। 30 और 2 कितने होंगे, 32। 32 में से 3 घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा, 29, या कितना आएगा आपका, 29। अब बात कर लेते आगे, यहां से एक हासिल चलेगी, इसका मतलब यहाँ कितने बचे, 11 ही बचे, क्योंकि 12 थे, एक हासिल चलेगी इसका मतलब 11 ही बचे, और 11 में से 5 घट रहा है, यदि घटता है तो हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो 11 में से 5 घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा, 6 बचा। फिर आपको पता है आगे यहाँ हासिल ली नहीं गई है, तो 2019 में से 2000 घटा, कितना आया, 19। तो आपकी उम्र इसके अनुसार कितनी हो जाएगी, 3/2/12/2019, यानी 2 दिसंबर 2019 के अनुसार उम्र हो जाएगी कितनी, 26 दिन 6 माह और 19 वर्ष, या कह सकते हैं 19। ये तो है आपका वर्ष, ये क्या है, वर्ष, और ये महीना, और ये दिन ऊपर भी लिख सकता है मैंने, तो ये आपका दिन है, तो इतनी आपकी उम्र हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं एक और लेता हूँ आपके सामने, ताकि आप एकदम आसानी से सीख जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज मान लो डेट है 31/10/2019, इसके अनुसार यदि आज ही हमें उम्र निकालनी किसी की, जैसे किसी की उम्र है मान लो 14/07/2002 है, ये इसकी DOB, ये क्या है, DOB, ये DOB है, और ये है आज की डेट जिसके अनुसार हमें उम्र निकालनी पड़ती है, तो ये आपका क्या है, दिन है, ये क्या है, महीना है, और ये क्या है, वर्ष है। चलो, आपको घटाना है तो देखो 31 में से 14 आसानी से घट जाता है, कितना आता है, आप बताए 17 आता है, कितना, 17। नहीं घटता है तब हासिल लेते, यदि घट जाए तो हासिल नहीं लेनी। अब देखो 10 में से 7 घट रहा है, कितना बचा, 3। फिर 19 में से 2 घटाएं, कितना बचेगा, 19 में से 2 गए 17, तो आप कितना होगा, ये तो वर्ष है, और ये महीना है, और ये क्या है, दिन है, तो आपकी उम्र कितनी होगी, 17 वर्ष 3 माह और 17 दिन होगा। तो ये आप उम्र निकालना सीख गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप शेयर करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, आगे भी मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। ये आपका आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।